ऐसी कोई बात नहीं थी करण, वो तो बस सारा दिन भर कुछ खाया नहीं था इसलिए एसिडिटी की वजह से वो। स्वीटी बुआ ने सारी बात का पतंगड़ बना दिया, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तुम अभी जाके सबको बता दो कि मेरा तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, बस पहचान है, सिर्फ पहचान, सिर्फ पहचान। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ करण, उलझती जा रही हूँ। अब ना कोई मेरी बात पर यकीन करता है और ना तुम्हारा। सॉरी करण, I'm sorry। हाँ क्या तुम्हारा साहिबा, मगर अभी से माफी मत मांगो क्योंकि आगे चलकर इसी हक का इस्तेमाल करना होगा तुम्हें। करण, जानती हो साहिबा, सूरज के डूबने पर जब कमल की पंखड़ियां बंद हो जाती हैं तो कभी कभी पराग के रस में खोया हुआ भंवरा उन पंखड़ियों में कैद हो जाता है। हैरत की बात है ना, भंवरा जो सख्त से सख्त लकड़ी को काट के फेंक देता है, कमल की कोमल पंखड़ियों को नहीं काट पाता। मैं भी ऐसे रिश्तों में उलझकर फंस गया हूं, अब इन्हें काटना मेरे बस की बात नहीं है। मुझ जैसे अनाथ को किसी परिवार से इतना प्यार मिलेगा मैं सोच नहीं सकता था। अपनापन सहने की आदत नहीं है ना साहिबा, और अब उसी परिवार के लोगों का दिल तोड़ो, ये बापू से नहीं होगा। बस इसीलिए एक ही काम रह गया करने के लिए, और उसके बाद तुम जी भर के मुझे कोस लेना, कुछ नहीं बोलूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो करण? मैं भगोड़ों की तरह इस घर को छोड़ के भाग रहा हूं। तुम्हारी मुश्किलें हल करने का जो वादा तुमसे किया था वो वादा मैं आज तोड़ के भाग रहा हूं। कमल की पंखड़ियां अभी भी थोड़ी बहुत खुली हुई हैं, वो भी बंद हो गई तो क्या करूंगा मैं, बोलो। ठीक कहते हो करण, ठीक कहते हो तुम, आखिर तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो है। कब तक उसे छोड़कर दूसरों की जिंदगी जीते रहोगे तुम? बीजे के कागजात तुम्हारे नाम करती हैं, जिंदगी में जब भी तुम सच का सामना करोगी तो ये खुदा तुम्हारे साथ होगा। याद रखोगी ना? तो आखिर तुम हमें छोड़कर जा ही रहे हो कैप्टन, हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी क्या? नहीं रौनक पापा, आपके प्यार का कर्ज मैं सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा,
लेकिन मेरी भी अपनी कोई मजबूरी है। सॉरी। प्यार से बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? यह भी हो सकता है कि यह मजबूरी प्यारी की हो। नहीं कैप्टन, मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। तो मुझे यह कहना चाहते हो कि साहिबा से तुम प्यार नहीं करते? जी नहीं, उस तरह नहीं। साहिबा और मेरा रिश्ता। साहिबा को तुमने किस हाल में ला छोड़ा है, कभी यह सोचा है तुमने? जी, लेकिन वो पहले से ही जानती है कि मेरी मंजिल कहीं और है। मैं प्यार किसी और से करता हूं। यू आर इन ट्रबल कैप्टन, यू आर इन ट्रबल। जरा गौर से देखो अपने दिल में, क्या है इसमें? टेल मी क्या है इसमें? ऐसा कुछ भी तो नहीं। आर यू श्योर? कम से कम जान के तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अनजाने में पैर फिसल जाए तो क्या चोट नहीं लगती? दुगनी चोट लगती है। कम विद मी टुडे, आई विल टेल यू समथिंग। देखो, मैं इन पंछियों से बहुत प्यार करता हूं। मैंने यहां लाया, पिंजरे में रखा और अपने प्यार के दाने इन्हें डाले। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने प्यार करता हूं तो मुझे इन्हें पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। मैंने इन सबको आजाद छोड़ दिया। शाम को सब पंछी वापस अपने अपने पिंजरों में आ गए। आज मुझे लगता है कि जब मैंने इन्हें आजाद छोड़ दिया था तो मुझे इन पिंजरों के दरवाजे बंद कर देने चाहिए थे, ताकि कभी वापस ही नहीं आ सकते, कभी नहीं। इंसान किसी से इतना प्यार करता ही क्यों है यार? एनीवे, इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो, यू आर फ्री टू गो। प्लीज गो। करण, मत जाओ मुझे छोड़कर। मैं जी नहीं पाऊंगी। हाँ, सच देखो तुम्हारा प्यार मेरी नस-नस में दौड़ रहा है। मैं जीना चाहती हूँ कर, सांस लेना चाहती हूँ। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। की जुदाई में देखो क्या हाल हो गया मेरा। बहुत प्यार करती हूं कर। जानती है लड़की, तू ये क्या कह रही है? सच। सच? इतना बड़ा धोखा? उसने कोई धोखा नहीं किया है, न मेरे साथ न आप लोगों के साथ। धोखा नहीं किया है? अरे आग लगा गया है मेरे घर में और तुम कहती हो धोखा नहीं किया है? अगर दोबारा जिंदगी में वो मेरे सामने आ गया ना, तो जान से मार डालूंगा मैं उसे, जान से मार डालूंगा। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। क्या हुआ, कोई सपना देखा? हमसे पूछो तन्हा रहना कैसा लगता है। हम तो पा
तुम्हारी मंजिल आ गई। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाई साहब, वो तेजेश्वर सिंघाल जी आए हैं। अंदर ले आओ उन्हें। जी। ये क्या ठीक होगा कि इतनी जल्दी साहिबा का रिश्ता सिंघाल के बेटे के साथ तय कर दें? अब तक घर की बात घर में है बीजी, इससे पहले कि जग हसाई हो। ठीक है ठीक है, जो मर्जी आए करो। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बस फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। नमस्ते प्राजी। नमस्ते। कैसे हैं आप? कैसे हो तेजेश्वर? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पैरी पहना बीजी, पैरी पहना। आप उठिए मत बीजी, उठिए मत, उठिए मत। दौरे पे निकला था, सोचा आपका हालचाल पूछता चलूं। सुना था आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी हैं आप? बस पुत्र, इस उम्र में तो यूं नरम गरम लगा ही रहता है। एक जिम्मेदारी बची है कि अपने जीते जी साहिबा को रुखसत कर दूं इस घर से, अगर तू हां करे तो। अरे कमाल करती हैं आप बीजी, शुभ काम में देर कैसी। बुलाओ महंत जी को, शादी का मुहूर्त अभी निकाल लेते। हरिओम। हरिओम। ये बिल्कुल शिव विवाह का योग है, इससे अच्छी तिथि इस पंचांग में ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मुझे कोई इतराज नहीं है। अरे अभी तो 6 दिन है यार मेरे, मैं तो 3 दिन में बारात ला सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है तेजेश्वर। मुबारक हो। आज से मेरा बेटा विकी तुम्हारा और तुम्हारी साहिबा बिटिया हमारी। ये लो। अरे गले मिल यार। मुबारक हो मुबारक हो। ये शगुन कन्या की झोली में डाल दीजिए। जीती रहो बेटी। हाँ ये कपड़े गाड़ी में रख दो। जी मैडम। नमस्ते साहब। निशा। करण? Oh my God! Oh my God! I'm so happy to see you. मुझे यकीन ही नहीं होता तुम वापस आ गए। I can't believe it. याद आती थी मेरी? यार, पता है कितना इंतजार किया तुम्हारा? और पता है कितनी देर कर दी तुमने? It's almost a year. मैं तो जल्दी आ जाता, लेकिन अचानक रास्ते में एक लड़की मिल गई। साहिबा। कैप्टन, कोई चक्कर वक्कर तो नहीं हो गया ना उस लड़की के साथ? मुश्किल में थी। जब मैं उसे उसके घर छोड़ने गया तो उसके परिवार वालों ने मुझे उसका पति समझ लिया। तुम जानती नहीं मैं वापस कैसे आया हूँ। साउंड्स इंटरेस्टिंग। यू नो निशा, ऐसा लग रहा था कि मेरे जिंदगी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर डाल दिया गया है और मुझे कहा जा रहा है देखो उस मोड़ को, तुम्हें वहां मुड़ना है। क्यों, क्या था उस मोड़ पे? उस मोड़ पे मेरा घर था, या यूं कहो कि एक ऐसी जिंदगी जहां कोई मेरा नहीं था पर सब अपने थे। खैर छोड़ो, तुम बताओ वो सैम? ओह सैम शूटिंग पे गया है, शाम तक आ जाएगा। निशा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो ना। एक्सक्यूज मी मैडम, यू आर गेटिंग लेट, बार बार फोन आ रहा है, वहाँ शूटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन शाम को मिलेंगे। अरे हाँ, आज शाम को पार्टी है और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। बाय करण। बाय एंड वेलकम बैक। साहिबा, अंधेरे में इंसान पल दो पल के लिए ठहर तो सकता है, आराम कर सकता है, पर जिंदगी जी नहीं सकता। जीना, कैसा जीना? नहीं करते ऐसी बातें, तूने हारी हुई बाजी खेली ही क्यों? उसे प्यार किया ही क्यों? प्यार?
प्यार पर किसका बस चलता है, वो तो बस हो जाता है। वो मेरी जिंदगी में तूफान की तरह आया और मैं सूखे पत्ते की तरह उसके साथ हो ली। बस जिंदगी हादसों से ठहर नहीं जाती, वक्त वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। धीरे धीरे करण की याद तेरे दिल से मिट जाएगी। करण की याद मेरे दिल में यूं बसी है जैसे किसी मंदिर में देवता की मूरत। भला बिना देवता के मंदिर किस काम का? बस कर, बंद कर दे ये दिल के खिड़की दरवाजे, अब वो नहीं आने वाला। वो आएगा जीजी, मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा, आखिर मेरे सामने खड़ा होगा और कहेगा आई एम कैप्टन करण, राजपूत राइफल रेजिमेंट आन। ये तो अच्छा नहीं कर रहा है,